जय हिंद। क्लास 9 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, तो पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन कर चुके हैं, यानी परिभाषित कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो इसमें एक्सरसाइज है आपका 5.1 और 5.2 एनसीईआरटी बुक में, उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो बात को समझेंगे और तब जाके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है आपका, यह कंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अविरोधी, और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द को समझने के लिए एक तरह से ये समझिए कि यूक्लिड ने जितनी भी अभिधारणाएँ दी, जैसा कि पहला अभिधारणा में दिया गया कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच जो है एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो इस यह जो अभिधारणा है, यह अभिधारणा अपने आप में बिल्कुल सत्य है, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, यानी कि इसे जो है सभी जगह मान्यता मिली हुई है। तो सिर्फ पहले ही अभिधारणा को मान्यता नहीं मिली है, अब यूक्लिड के जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह पांचों अभिधारणा को मान्यता मिला हुआ है, ये पेटेंट किया हुआ है। अब यदि क्या कहते हैं, कोई नया अभिधारणा बनता है, जैसे मान लिया जाए यूक्लिड बना दिया अभिधारणा और क्या किए, आप भी एक अभिधारणा को बनाए, तो आप वैसा अभिधारणा नहीं बना सकते हैं, यानी कि पोस्टुलेट्स, वैसा पोस्टुलेट्स नहीं बना सकते हैं जो कि यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को गलत साबित कर दे या यूक्लिड का पोस्टुलेट गलत हो जाए। तो चूंकि उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, यूक्लिड के जो पांच पोस्टुलेट हैं, उस सबको मान्यता मिली हुई है, पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, अब पूरा दुनिया सही जान रहा है, और आप जो है वो नया पोस्टुलेट्स बना दिए और उसके पोस्टुलेट्स को गलत साबित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपका विरोध तो होगा ही ना, समझ रहे हैं। तो आपका अगर विरोध हो रहा है, आप ऐसा पोस्टुलेट बना दिए जो कि यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को गलत साबित कर रहा है, तो आपका जो पोस्टुलेट्स है वह विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा, यानी कि पोस्टुलेट्स जो हम लोग बनाते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। अब यदि आप पोस्टुलेट्स बनाए हुए हैं, उस पोस्टुलेट्स को किसी दूसरे पोस्टुलेट से मतलब नहीं है, मतलब कि आप जो पोस्टुलेट बनाए हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं और दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और बिल्कुल सही बनाए हुए हैं, तो वैसे पोस्टुलेट्स को हम लोग कहते हैं अविरोधी कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी पोस्टुलेट्स आप बनाते हैं, यानी अभिधारणा जब बनाते हैं, तो वहाँ पर उसको जो है कैसा होना चाहिए, अविरोधी होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी उसको मान्यता मिलेगा, नहीं तो भैया आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, जो होने का है आपका मान्यता ही नहीं मिलेगा। इसी तरह से लोग पीएचडी वगैरह भी करते हैं, है कि नहीं, पीएचडी करने का मतलब हो गया कि जब आप एमएससी बीएससी कर लीजिएगा तब एक पेपर में आप रिसर्च करने को मिलेगा, जिसको हम लोग पीएचडी कहते हैं। खैर, ये अभी बहुत दूर है आप लोगों के लिए, आगे चलेंगे तो समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह कंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी आप लोग समझ गए होंगे। आप इसके बाद जो है इससे रिलेटेड आपका एक प्रॉब्लम दिया गया है 5.1 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे तो इस चीज़ की चर्चा करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग जाएंगे, और 5.1 में जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और या तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं,
क्लियर है। अपने सामने बुक को रखिए और आपको यह सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी बोल ही रहा हूँ। तो इसमें जैसा कि पहला नंबर एक्सरसाइज 5.1 में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर का रीजन भी दीजिए। तो इसमें पहला कहते हैं, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, कहता है कि सिर्फ एक ही लाइन इससे पास हो सकता है, तो यहाँ पर ये गलत न है भैया, इससे तो बहुत सारा लाइन हम लोग पास कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अब फॉल्स को हिंदी में कहते हैं गलत कहते हैं, क्लियर है। और इसमें रीजन क्या देंगे, देयर आर मैनी, है ना, बहुत सारे लाइन, मैनी लाइन्स पास थ्रू ए पॉइंट। ये इस तरह से रीजन दे देंगे, क्लियर है। अब दूसरा कहता है कि देयर आर ए इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। ये दूसरा नंबर कहता है कि दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारा लाइन गुजर सकता है, तो गलत है, ये बात गलत है। आप इस दोनों पॉइंट से होकर एक ही लाइन गुजार सकते हैं, अगर दूसरा लाइन भी लेते हैं तो इसी के ऊपर जाना पड़ेगा, समझिए एक ही है वो। तो ये जो है यह भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बहुत सारा लाइन बोला था लेकिन आप गुजार सकते हैं एक ही लाइन, तो रीजन भी स्पष्ट है कि एक ही लाइन गुजार सकते हैं हम लोग। इसके बाद कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन कहने का मतलब हो गया कि एक रेखाखंड, टर्मिनेटेड कहने का मतलब कि ऐसा लाइन जिसका एंड हो, यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है यह भी पता हो और अंत कहाँ से हो रहा है यह भी पता हो, उसी को हम लोग टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं। और इसको इन्फिनाइटली हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, तो यह तो सही है भैया, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा नंबर यहाँ पर कहता है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। सही बात है, अगर दो सर्कल आपका इक्वल हो, दो सर्कल क्या है इक्वल हो, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ही, है ना। यह आर वन और यह आर टू, ये आर वन इक्वल टू ये आपका आर टू हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे, है ना। क्यों भैया, दोनों सर्कल सेम है तो रेडियाई, तो दोनों जो होगा आपका सेम रेडियाई पर ही संभव है, ऐसा नहीं संभव है कि अलग अलग रेडियस लिए और अलग अलग सेम ही सर्कल हमको मिल जाए, तो इस तरह से नहीं हो सकता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर में कहता है कि ये फिगर आपको दिया गया है, कहता है ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है। तो क्या ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है और यह पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या यह आपका ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। अरे ये तो होवे करेगा, ये तो कोई भी कह देगा, टू क्लास का बच्चा भी बता देगा, है कि नहीं। इस तरह का जो है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्लास में कि अच्छा बताओ मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास जितना पैसा है उतना मोहन के पास है, मोहन के पास जितना पैसा है उतना सोहन के पास है, सोहन के पास जितना पैसा है उतना करीम के पास है, तो मेरे तो बताओ करीम के पास कितना पैसा है, तो बताइए देगा सर के पास 10 था तो मोहन के पास भी 10 ही होगा, क्योंकि दोनों का बराबर है। अब मोहन सोहन दोनों का पैसा बराबर है, दोनों के पास बराबर पैसा है, तो सोहना का भी उतना ही होगा, 10 रुपया ही होगा, और सोहन को जितना है उतना करीम को है, तो करीम को भी 10 रुपया होगा, तो सर के पास भी 10 रुपया, करीम के पास भी 10 रुपया। तो ये सब जो है बहुत छोटा बच्चा का वाला प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू कह देंगे। इसके बाद हमको दूसरा नंबर कहता है क्या कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अनदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं
पैरेलल लाइन, जिसको कहते हैं हिंदी में समांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, टू लाइंस इन ए प्लेन आर पैरेलल लाइन। दो लाइन अगर प्लेन में है तो उसको पैरेलल कहेंगे। कब कहेंगे? कि इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइन प्लेन में इस तरह से हो कि उस दोनों का कोई कॉमन पॉइंट मिले ही नहीं। अब इधर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, यह भी बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ाते हैं तो यह भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो रेल की पटरी जो होती है वो आपस में मिलती नहीं है, हालांकि ट्रैक चेंज होता है, लेकिन जिस पटरी पर आपका गाड़ी चलती है अगर वो पटरी मान लीजिए कहीं जाते जाते मिल जाए तो रेल के साथ क्या होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो प्रायः रेल की पटरियां जिस पर हमारा रेल दौड़ता है, पहिया दौड़ता है, वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, उसको हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस में रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन को और भी कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, तो सारे परिभाषा को यहाँ हम तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही परिभाषा को लेकर चल सकते हैं, एक ही डेफिनेशन को लेकर चल सकते हैं। अब इसी चीज़ को हिंदी में हम लोग किस तरह से कहते हैं कि दो लाइन प्लेन में इस तरह से हो, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि दो लाइन प्लेन में इस तरह से हो कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, या तो उस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब कि वो दोनों की प्रतिच्छेदी बिंदु हमें कहीं प्राप्त नहीं होती हैं, तो वैसे लाइन को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखा जाए कि परपेंडिकुलर लाइन, या कहने का मतलब कि यहाँ जब एक लाइन दूसरे पर दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। और यह लंबवत रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखा, लंबवत रेखाएं इसको हिंदी में कहते हैं, क्लियर है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ वन लाइन स्टैंड ऑन द अनदर लाइन, अदर लाइन, एक लाइन जो है दूसरे लाइन पर खड़ा हो, देख रहे हैं एक लाइन ये L1 है और एक दूसरा लाइन इसके ऊपर खड़ा है, और इस प्रकार खड़ा है कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, उसके बीच का एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये लाइन जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। तो इसी को लंबवत रेखा हिंदी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं, आप बुक में देख सकते हैं लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि एक लाइन पर दूसरा लाइन खड़ी हो, इस प्रकार खड़ी हो कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग लंब रेखा कहते हैं। अब तीसरा हमारा डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट, क्या है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने इसको डिफाइन किया था कि ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या लिख सकते हैं, ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, है ना, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक सीधी पथ, दो बिंदुओं के बीच सीधी पथ को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं, क्लियर है। चौथा नंबर अब देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल वृत्त की, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है यह क्या होता है, देखिए वृत्त का सेंटर यानी कि सर्कल का जो सेंटर है और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहने का मतलब यहाँ सरकमफेरेंस हम लोग नाम देते हैं, है ना, इसका नाम सरकमफेरेंस भी होता है लेकिन पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर, केंद्र से लेकर परिधि के बीच यानी कि सर्कमफेरेंस के बीच, तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल, उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब इसी को चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद अगला डेफिनेशन है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम लोग सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर किसी रेक्टेंगल का, किसी आयत का सभी साइड यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा गया है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। तो दो पोस्टुलेट्स जो है कंसीडर किया गया है जो कि नीचे दिया गया है। और पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड भैया ने पोस्टुलेट्स क्या को दिए थे, 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। क्लियर है। तो 5 पोस्टुलेट्स तो पिछले वीडियो में बता दिए हैं, हमको लगता है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। अब यहाँ पर नया पोस्टुलेट्स कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं कि इसमें जो पहला पोस्टुलेट्स दिया गया, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी दो पॉइंट दिया गया है और इसके बीच जो है एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो कि इसके बीच में है। और दूसरा ये पोस्टुलेट्स बनाता है क्या कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपका एक ही लाइन पर नहीं है, है ना, इसको पढ़ सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पर नहीं है। तो जैसे हमने वीडियो शुरू किया था उसी समय आपको दो शब्द से परिचय करवाया था। पहला शब्द जो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है ना, और दूसरा शब्द जो है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। जिसको हम लोग अविरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, और जिसको हम लोग विरोधी कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधी होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, आपको तो हम समझा ही दिए थे लेकिन फिर भी समझने का कोशिश कीजिए कि अगर आप क्या कहते हैं कोई चीज़ नया चीज़ का इन्वेंशन करते हैं और वो चीज़ जो है ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, किसी ने कर दिया है और किसी ने पेटेंट करा दिया है, तो आपका जो इन्वेंशन होगा ना वो कहलाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा। क्लियर है। अगर आपने कुछ नया चीज़ ढूंढ दिया बिल्कुल दुनिया से अलग तो वो आपका कंसिस्टेंसी कहलाएगा, मतलब उस पर कोई विरोध करने वाला नहीं है। उसी तरह से यूक्लिड ने जो 5 पोस्टुलेट्स दिया तो आप ऐसा कोई नया पोस्टुलेट्स बनाते हैं जो कि इस यूक्लिड के किसी भी पोस्टुलेट्स का विरोध नहीं करे। ऐसा नहीं कि आप नया पोस्टुलेट्स बना दिए और इस यूक्लिड के पोस्टुलेट्स का वो विरोध करने लगे, कहने का मतलब यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को ही गलत साबित करने लगे, तो क्या करेगा, दुनिया आपको मारबे करेगा, पिटबे करेगा। यानी कि यह जो 5 पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने दे दिया है यह बिल्कुल सही है और सारे लोगों ने माना है, अब इसको आप गलत साबित करेंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो प्रूफ आप क्या देंगे, ये 5 पोस्टुलेट्स ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, बिना प्रूफ के ही ये ऑलरेडी इसको मान्यता मिली हुई है। तो ऐसा पोस्टुलेट्स आप नहीं बनाइए जो कि इस यूक्लिड के पोस्टुलेट्स का विरोध करे। अगर वह विरोध कर दिया तो वो कौन सा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधी हो गया, जिसको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर आपने नया बना दिया तो वो क्या हो गया, अविरोधी हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछता है क्या कि डज दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पोस्टुलेट्स जो हैं कोई अनडिफाइंड टर्म को कंटेन करता है। तो हम कहेंगे कि यस, इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट है आपका और लाइन ड्रॉ किए
तो इसके पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ये लाइन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए ज्योमेट्री का, तभी आप इस पोस्टुलेट्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कहता है कि डज दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या अनडिफाइंड टर्म कंटेन करता है, तो कहेंगे यस करता है। इसके बाद कहता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो क्या ये कंसिस्टेंट है, तो हम तो कहेंगे कि भैया ये कंसिस्टेंट है आपका। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो आप लोग यूक्लिड का पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं उसके उसका कहीं विरोध नहीं हो रहा है, आप उसकी बात को क्या कहते हैं, वो यूक्लिड तो राजा है भैया, उसका विरोध आप नहीं करेंगे, यानी कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसका कहीं विरोध नहीं हो रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये दो दो जो पोस्टुलेट्स दिया गया है ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है, क्लियर है। अब इसके बाद पूछता है क्या कि डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, क्या यह जो है यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है। तो याद कीजिए पहला जो पोस्टुलेट्स है कि ए लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू थ्रू द टू पॉइंट, एक लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन थ्रू द टू पॉइंट्स, ये पहला पोस्टुलेट्स है किसका, यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट्स है। तो क्या यह जो है इससे मेल खाता है, नहीं खाता है, यानी कि यह जो पूछा डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि नो, ये दूसरा आंसर हो गया, ये तीसरा आंसर हो गया कि भाई यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन उसको जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है यूक्लिड के पहले पोस्टुलेट्स को, जो कि आपके बुक में एक्जियम 5.1 है, 5.1 है, तो 5.1 भी जो है इसी को थोड़ा सा अलग वे में लिखकर 5.1 एक्जियम यानी अभिगृहित 5.1 आप बुक में देखिएगा, तो उसको कुछ कुछ ये जो है आपका पोस्टुलेट्स फॉलो करता है। लेकिन ये पोस्टुलेट्स जो है 100% किसको फॉलो नहीं करता है, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना में आप लोग समझ गए होंगे, अगर फिर भी इसमें कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो यहाँ पर देखा जाए कि ए बी के बीच कोई पॉइंट सी है आपका, है ना, ए बी के बीच कोई पॉइंट जो है सी दिया गया है, क्लियर है, और ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, गिवन में ए सी इक्वल टू बी सी आपका दिया गया है, यानी ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो आपको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी प्रूफ करना है, यही ना प्रूफ करना है, माफ करेंगे ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही चीज प्रूफ होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है कि इस ए बी को हम लोग ए सी अब प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब मान लीजिए कि एगो डंटा है उसको तोड़ दिए, अब दोनों को सटा दिए तो फिर डंटे ना हो गया, डंटा का लंबाई ना हो गया, अब दोनों टुकड़ा को अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो डंटे के ओरिजिनल लंबाई निकल जाएगी। तो वही बात है कि यहाँ पर ए सी प्लस बी सी कर दीजिए तो ये आपका ए बी मिल जाता है। अब इस ए बी को हम लोग ए सी प्लस, चूँकि बी सी जो है आपका ए सी के बराबर है, यह बी सी है ना ए सी के बराबर है, तो यहाँ फिर ए सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू टू इंटू ए सी लिख दिए और यह ए सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी हो जाएगा। देखिए 2 को लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो 2 से इधर भाग लग जाएगा, फिर उल्टा के इसको लिख दिए हम लोग, है ना, यानी कि ये जो है आपका इसे लिखाया ए बी 2 बराबर ए सी, तो यही चीज़ हमारा प्रूव्ड हो गया,
तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब ये क्या कहता है, नया बखेड़ा शुरू करता है कि प्रूव दैट कि एवरी लाइन, किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। क्या कह रहा है भैया, यह जो कह रहा है कि कोई लाइन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक लाइन है आपका ए बी और इसका एक ही मिड पॉइंट होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, मिड पॉइंट तो होगा एक के गो ना, है कि नहीं। अब मान लीजिए एक वो चादर है, बोले कि इस चादर को बीच से फाड़ दो, तो क्या होगा कि बीच का जो पॉइंट होगा ऐसा पॉइंट जो कि चादर को बराबर भाग में बांटता है, एक वो बड़का भैया लेगा एक छोटका भैया लेगा, दोनों को दोनों का लड़ाई हो गया है तो बटवे करे बांटेगा ही ना आधा आधा, तो कोई एक ही पॉइंट से ना कटेगा वो, इसमें प्रूफ करने की क्या बात है। तो ऐसे सब प्रूफ को जो है ना थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ किया जाता है। कैसे प्रूफ किया जाता है, देखिए कि यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, लेट सी बी नॉट मिड पॉइंट, सी इज नॉट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, क्लियर है। अब ए बी का मिड पॉइंट नहीं है तो कहीं डी पर जो है होगा इस तरह का, डी एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि मिड पॉइंट होगा, तो कहीं ना कहीं एगो मिड पॉइंट तो होगा ही ना। तो लेट अनदर पॉइंट, अनदर ए एन ओ टी एच ई आर, अनदर पॉइंट सी डी विच इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का मिड पॉइंट है, देखिए अगर सी मिड पॉइंट होता है तो उसको ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए, तो डी मिड पॉइंट हो गया तो ए डी को हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, हालांकि इसको भी हम लोग लिखेंगे, सर मैं समझ गए ना, चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 4 से ही बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 से ही बना हुआ है, तो 4 की मदद लेंगे ही हम लोग। तो 4 में ए सी इक्वल टू हाफ ए बी है और ई जो है डी आने के चलते ए डी इक्वल टू हाफ ए डी आ गया। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या देख रहे हैं कि राइट साइड में भी हाफ ए बी है और राइट साइड में भी हाफ ए बी है, तो लेफ्ट साइड का ए डी इधर लेफ्ट साइड का ए सी दोनों बराबर हो जाएगा, तो देयर फोर ए सी इक्वल टू ए डी हो गया। अब यह ए से लेकर सी तक की दूरी, ए से लेकर डी तक की दूरी, दोनों दूरी बराबर हैं, तो अब तो गजब हो गया भाई, तभी दोनों पॉइंट अलग अलग कैसे होगा, अलग तो हो नहीं सकता है, दोनों जब तक एक जगह पे नहीं होगा तब तक बराबर कैसे होगा। तो यहाँ पर जो हम माने हुए हैं कि सी नॉट ए मिड पॉइंट है तो यह संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं हो सकता है। ये संभव तभी हो सकता है जब सी और डी जो है एक ही पॉइंट हो, है ना, यानी कि विच इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड डी रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तभी संभव हो सकता है। तो अंत में लिख देंगे हैंस वन एंड ओनली वन, ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से भैया सुन के भी लिख लीजिएगा अगर बोर्ड पर आप नहीं देख पा रहे हैं तो। अब देखिए हिंदी में जरा सा देख लीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है,
एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड डी रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, यह तभी संभव है जब सी और डी एक ही बिंदु को निरूपित करता है, क्लियर है, हैंस वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट, अतः एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं किसी दिए गए लाइन सेगमेंट का, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। देखिए बड़ा आसान है ना, ये एक झटके में हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए बी, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी है और यह आपका डी है, तो यह ए सी इक्वल टू आपका दिया गया है बी डी। देखिए ये आपका ए सी जो है ये आपका बी डी के बराबर दिया गया है, यानी कि बी सी जो है यह भी लिया है और यह भी बी सी को इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसा काम करते हैं कि ए सी में माइनस बी सी कर देते हैं, अब बी डी में भी माइनस बी सी कर देते हैं, माइनस बी सी कर देते हैं। तो अब इस ए सी में बी सी घट गया तो इधर बचा क्या, ए बी ही बचा, और अगर यह बी डी में अब बी सी आपका घट गया माइनस हो गया तो यह आपका क्या बचा भैया, सी डी बचा, और यही चीज़ तो प्रूव्ड करना था, बस एक झटके में प्रूफ हो जाता है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, वाई इज द एक्सियम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ नॉट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। मतलब कि यह जो है आपका एक्सियम 5 कहता है, इसको हिंदी में जरा सा सुन लीजिए, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिए हुए अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्लियर है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अविधारणा से संबंधित नहीं है, तो यह 5वीं अविधारणा से संबंधित नहीं है। यूक्लिड के एक्सियम को आप देखिएगा, ऐसे तो आपका देख सकते हैं यूक्लिड के एक्सियम का लिस्ट आपको पिछले वीडियो में ही दिखाए थे, लगभग 7 एक्सियम्स हमने बताया था आपको, तो इसमें 5वां एक्सियम्स जो है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो इसको हमने समझाया था आपको कि टुकड़े से जो है किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई डंडा है, ठीक ना, मान लिया जाए कि ये आपका क्या कहते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको हम तोड़ देते हैं तो ये दो पार्ट में बट गया, तो ये दोनों पार्ट जो हैं इस ओरिजिनल से होल से ये पूरा था, पूरे से क्या है ये दोनों आपस में छोटे हैं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ जो है ना बिल्कुल सत्य है, बिना प्रूफ के ही सत्य है, और इसको जो है सारी जगह मान्यता मिली हुई है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है समाप्त होता है। इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज जो है कुछ नहीं है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो इसको आप लोग जो है बोर्ड पर देख सकते हैं, इसको हमने लिख कर इसको आपके पास इमेज में ही डाल दिया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि 5 पोस्टुलेट्स को हमने आपको समझा दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, तो क्या यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट जो है वह पैरेलल लाइन उसमें एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए 5वां पोस्टुलेट्स में यही ना कहा गया है कि दो लाइन इस तरह से हो कि एक लाइन इस पर इंटरसेक्ट करे और इसमें इंटीरियर एंगल का सम, एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम है ना, अगर आपका दोनों का सम जो है 180 से छोटा हो, जिधर छोटा होगा उधर बढ़ाने पे यह मिल जाएगा। तो अब ऐसा हो जाए
कि एंगल 1 प्लस 2 भी 180 के बराबर हो जाए, एंगल A प्लस एंगल B भी 180 के बराबर हो जाए। तो ना तो यह इधर मिलेगा कहीं और ना तो यह इधर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट से हमें पैरेलल लाइन की परिभाषा मिल जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और लाइन और एंगल्स के साथ। जय हिंद।